करनाल के स्टोंडी गांव का एक समुदाय आईजी कार्यालय करनाल के सामने अपने बर्तन वान्य खाने पीने का सामान लेकर धरने पर बैठ गया है। एक समुदाय के लोगों द्वारा धरने पर बैठने का कारण दूसरे पक्ष द्वारा की गई मारपीट के दोषियों पर कार्रवाई न होना बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गत 25 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा उनके साथ विरोध किया गया एवं धमकियां दी गई, जिसके विरोध स्वरूप उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग आईजी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि ग्रामीण यहां पर खाने पीने की वस्तुएं व बर्तन लेकर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे यहीं पर बैठे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि गुरु रविदास जयंती को लेकर गांव में 2 सोसाइटी बनाई गई हैं, जिनमें रविदास जयंती मनाने को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में जांच चल रही है। पुलिस जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि गांव में एक मंदिर में रविदास जयंती मनाने को लेकर मतभेद चल रहा था। प्रशासन के सहयोग से गुरु रविदास जयंती दोनों पक्षों की बड़े अच्छे ढंग से मनवाई गई थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को जांच में अवश्य शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस कार्रवाई में शामिल होकर ये किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग आईजी कार्यालय के समक्ष धरने पर डटे हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? स्टोंडी से आए जी। क्या मामला आपका? रविदास जयंती का मामला है जी। क्या हुआ था वहाँ? रोड़ो है इधर। किस बात को लेके? इस भाई वहाँ 20 घर नुकाम तब ना मना सो करो ना। अच्छा, हम मनावेंगे। तो क्या किया उन्होंने? हम ना पार भी जोड़े भाई, तब मना लो, हम तारे खेल लो। क्या बात हुई फिर? उन मनाई नहीं, फिर उन मना ली, प्रशासन ने ताड़ी दवा दी। उनका मारपीट हुआ? मारपीट करी उन हमारे साथ। मारे जाके देखो सारे बुंटी के उनके जंगियों के सारे पत्थर भी पोटे पड़े। तो अब आईजी के बाहर यहाँ डेरा डाल लिया? हाँ, यहीं पड़े हमने। रोटी पड़ी यहीं? यहीं कहेंगे हम तो अपने घरों का ताला लगा के। अच्छा, हाँ पड़े। और क्या करेंगे? ओडा पत्ते ओडा हम नमरना थोड़ी है। आईजी से मिले गुंडे लिया हमारा राजनामा। तो अब क्या करोगे? पड़े हैं यहाँ और करे तो क्या? करनाल में डेरा डाल लिया? हाँ डाल लिया। जैसे इंसाफ नहीं मिलता हमने, इतना हम जानते नहीं यहाँ से। क्या नाम आपका? सुल्तान। कहाँ से हो? स्टोंडी से हैं। क्यों आए आप बर्तन उठा? हम नहीं आए जी, न्यू लेना आया हूँ। हम नखतरा जी, रात पुलिस बैठ जी, पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही जमी भी। हम कहीं ने जाम ओढ़ा, हमारी सुनाई नहीं कर रही। हम उरा न्यू आए, हमारे जख्त ने ठाण आई रात पुलिस। अच्छा, और वहाँ सानू का मजे तो ही भावेंगे हम ना। पर्ची वाले तैयार कर रखे हैं ना, हम कड़ा नहीं कड़ा। क्या वो गिरफ्तार नहीं हुए? हाँ, उन्हें वहाँ पकड़े नहीं, थोड़ी नहीं पकड़े। वीडियो हमारे पास सबूत है जी। पूरी बात ये है जी, जब भी आई साल जयंती मनाने का कार्यक्रम बनाते हैं सर, वो बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास मंदिर की चाबी, सब मंदिर के ऊपर राज मारा रहे ना। इधर से इस समाज से कोई लोग मंदिर में आए माथा टेकने के लिए, ना हम दरवाजे खोले ना ताले खुले सर। और अपनी गुंडागर्दी जमाने की कोशिश की जा रही है सर। सारे आम गुंडागर्दी करते हैं, सारे आम दारू के ठेके हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पैर ऊपर रहे, बस हम ही रहे जो कुछ है, और बाकी सब लोगों को हम नीचे दबा के रखे। तो अब आज आप सामान, घर का सामान, आटा उठा के सिलेंडर उठा के आए हैं, क्या सोच के आए हैं सर? हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को भी डर है सर, जान से मार देंगे। ऐसा तो हमारे गाँव में रहने का कोई धर्म ही नहीं है। हम ऐसा तो गांव में नहीं रह सकते सर, गांव में भी नहीं रह सकते सर। ऐसे तो हम वो चक्कू लेके बंदूक लेके सारे आम घूमते हैं सर, ऐसे हम गांव में कैसे रहेंगे? हमारे बच्चों को आईजी से मिलेंगे? आईजी से मिलेंगे सर हम। क्या नाम आपका? उषा। कहाँ से हो सर? स्टोंडी से। पर्ची वाले आप हमारा नाम आ रहा दोनों की जाँच की जा रही है। सर मामला क्या हुआ था? और अब ये खाना पीना भी बैठ गया, तो कोई इसी तरह का आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? इनको बता दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट झूठी है, आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट इन्होंने दी है, तो वो तो ये हमें थाने में आके तस्दीक करवाएंगे ना। हम वेरीफाई करेंगे तभी तो किसी चीज़ के रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो मामला क्या होता सर, क्यों झगड़ा होता रविदास जयंती का बता रहे कोई? रविदास जयंती के संबंध में स्टार्टिंग में एक जिनका जो रविदास मंदिर है उसकी 2 सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। एक सोसाइटी का अलग प्रधान है खुशीराम, एक सोसाइटी का अलग है। तो मंदिर में जयंती को मनाने को लेकर इनमें मतभेद था, लेकिन जयंती प्रशासन ने बड़ी शांति के साथ अच्छे से मनवा दी दोनों की। एक पार्टी ने 25 तारीख को जयंती मनाई, एक पार्टी ने 27 तारीख को जयंती मनाई। जयंती के दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन 25 तारीख को शाम को रात को 9-10 बजे शराब पीकर एक व्यक्ति ने आपस में कोई गाड़ी क्लोज कर दी, और उस शराबी की वजह से आपस में इनका झगड़ा हो गया, जिसके संबंध में दोनों पार्टियों ने हमें कंप्लेंट्स दे दी।
अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगा के, और जिन जिन के खिलाफ आरोप लगाया हमने सभी के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दी। दोनों तरफ से सर कंप्लेंट? दोनों तरफ से कंप्लेंट विद MLR, दोनों पे FIR रजिस्टर्ड है और दोनों की जांच की जा रही है कि जिसके नाम लिखवाए हैं उसमें से सच कितने हैं। सर अब ये अपने बर्तन लेकर यहाँ पर आ गए तो इसका हल क्या निकाला जाएगा? तो हल तो देखो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन तो इनको करना पड़ेगा। जब इनको आज के लिए नोटिस दिया गया था कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, इनके ऊपर भी मामला दर्ज है? इनके ऊपर मामला दर्ज है। तो आई जी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते? तो आई जी से मुलाकात होगी इनकी? हाँ मुलाकात कर ली है। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे दोनों पक्षों की, जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक